नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं TCS ऑन सेल्स गुड की सेक्शन के बारे में और TDS ऑन परचेज की गुड्स की सेक्शन के बारे में, यानी कि किस कंडीशन के अंदर हमें हमारे बायर से सेल्स ऑफ गुड्स पे, यानी कि जो भी हमने उसको गुड सेल किया हुआ है उसके ऊपर में TCS कलेक्ट करने की जरूरत है, या फिर जो हमने गुड्स परचेज किए हैं हमारे सप्लायर्स से, तो हमें सप्लायर्स का जो TDS डिडक्ट करना है सेक्शन 194Q में, वो किस कंडीशन में करना है। यानी कि अब ये जो सेक्शंस हैं, ये सेक्शन लागू होने के लिए हमारी खुद की कंपनी का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। अगर हम हमारे किसी कस्टमर का, हमारे बायर्स का, अगर हम TCS अगर कलेक्ट करते हैं तो ऐसे कंडीशन के अंदर हमारी बायर्स के साथ क्या कंडीशंस होनी चाहिए, या फिर जो हम सप्लायर का TDS काटेंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारा और जो सप्लायर्स है इसके बीच के अंदर क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो ये सारी बातें आज की इस क्लास में हम प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक आप जरूर देखना ताकि आपको पता चल सके भी आपकी कंपनी के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल अब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर है तो आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन भी है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भी TCS ऑन सेल, यानी कि हम किस कंडीशन के अंदर हम बायर्स का TCS है जो कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए पॉइंट हम बात करते हैं भी यहां पर जो बात आ रही है एप्लीकेबिलिटी की, यानी कि जो TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स की जो कंडीशंस है वो क्या कहती है। वो ये कहती है भी अगर हमारी कंपनी का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से एक्सीड हो चुका है पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान, यानी कि ये जरूरी नहीं है भी पिछला फाइनेंशियल ईयर 23-24 नहीं है, इससे पहले 22-23, 20-21, 21-22, 18-19, 19-20, 17-18 इन किसी भी सालों के दौरान अगर हमारी कंपनी का जो टर्नओवर है, जो टोटल हमारी सेल्स है, वो 10 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है, तब हम TCS कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल है। और हम बात करते हैं TCS की, तो ये TCS की भी कंडीशंस है वो भी सेम यही लागू कहता है भी अगर आपकी कंपनी की जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से एक्सीड हो चुकी है तब हम TDS डिडक्ट करने के लिए एलिजिबल है हमारे सप्लायर्स का। तो अब एक बात क्लियर होगी भी आपको सबसे पहले ये चीज देखना है भी अगर आपकी कंपनी की टर्नओवर 10 करोड़ को पार कर चुकी है तो ये आपके ऊपर TCS और TDS वाला जो सेक्शन जो हमारा है TDS का 194Q का और TCS ऑन गुड्स का 206(1H) तो ये आपके कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हो। अब सबसे पहले बात आएगी भी हमें जो TCS कलेक्ट करना है या फिर TDS डिडक्ट करना है उसका एग्जम्पशन लिमिट क्या है। वो लिमिट हमारी है 50 लाख रुपए तक, यानी कि अगर हमने हमारे बायर्स को 50 लाख रुपए तक का ही गुड्स सेल किया है तब हमें TCS कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, या फिर हमने हमारे बायर्स सप्लायर से कोई 50 लाख रुपए तक का ही अभी तक गुड्स परचेज किया किसी सिंगल सप्लायर से तब भी हमें उसके ऊपर जो TDS है वो डिडक्ट करने की लायबिलिटी यहाँ पर हमारे ऊपर है जो नहीं बनती है। अब हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं अलग अलग एंगल से। फर्स्ट एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, अब मान लीजिए कोई एक सेलर है, ठीक है, और हम ये मान के चलेंगे भी इसकी टर्नओवर 2023-24 फाइनेंशियल ईयर जो अभी हमारा क्लोज हुआ है इसके अंदर इसकी टर्नओवर है जो 12 करोड़ हो चुकी है, यानी कि जैसे ही 12 करोड़ हुई है इनकी 10 करोड़ को एक्सीड हो चुकी है तो अब ये TCS और TDS डिडक्ट करने के लिए और कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल है। अब मान लीजिए बी इसका कस्टमर है, ठीक है, अब इसने ए ने बी को 60 लाख रुपए का सामान बेच दिया, ठीक है, अब ये 60 लाख रुपए की वैल्यू आपकी सिंगल इनवॉइस में हो सकती है, एक मंथ में हो सकती है, 6 मंथ में हो सकती है, या एक साल के अंदर हो सकती है, ठीक है। अब ये 60 लाख रुपए का गुड्स है जो सेल किया है, अभी इसकी जो अपनी लिमिट की बात करी थी वो लिमिट थी इसकी 50 लाख रुपए की, अब ये यहाँ पर ये जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है। अब बात ये आएगी, अब आपका जो ये जो बी जो कस्टमर है, ठीक है ना, अब बी अगर इस बी की जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से कम है,
यानी कि ये लेस देन के अंदर आ रहा है। इस बिजनेसमैन की बी जो इसका कस्टमर है इसकी टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, तो अब ऐसी स्थिति के अंदर अब एक ही यहाँ पर ये लायबिलिटी बनेगी भी, वो इस जो टोटल गुड्स जो बेच दिया 60 लाख रुपए का, इसके अंदर सबसे पहले जो इसकी एग्जम्पशन लिमिट है वो माइनस करेंगे 50 लाख रुपए की, यानी कि 60 लाख में से अगर हम 50 लाख माइनस अगर हम करते हैं तो वैल्यू कितनी बचेगी हमारी 10 लाख रुपए की। अब इस 10 लाख रुपए के ऊपर जब उसका गुड्स सेल किया जाएगा तो उस गुड्स सेल के अंदर TCS है जो कलेक्ट होगा कितने परसेंट का, 0.1% का। ये 0.1 का किस कंडीशन के अंदर होगा, अगर ये जो बी है ये ए को यानी कि जो सेलर है उसको अगर ये पेन नंबर अगर अवेलेबल करवा देता है तो इसका 0.1% के हिसाब से TCS कलेक्ट होगा ऊपर वाली जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 10 लाख रुपए के इसके ऊपर, यानी कि 1000 रुपए का TCS है जो कलेक्ट होगा जब नेक्स्ट उसका जो इनवॉइस जाएगा या जो फर्स्ट इनवॉइस अगर जा रहा है 7 लाख रुपए का तो इसके ऊपर 1000 रुपए का TCS भी इसके साथ में एड होके जाएगा। तो पहला क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया भी, अब इसकी जो टर्नओवर थी बी की वो 10 करोड़ से कम है और ए जो बेचने वाला था जो सेलर्स है उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा की है, तो अब इसकी लायबिलिटी ये बनती है भी वो अपने सप्लायर से 10 जैसे ही उसको 50 लाख इसका जो एक्सटेंशन लिमिट है उसको क्रॉस करेगा तो TCS है जो कलेक्ट होगा। अब उसके बाद में मान लीजिए इसने 5000 रुपए का भी इनवॉइस है जो सेल किया है, तो अब ऐसा नहीं है अभी यहाँ पे इसका 50 लाख माना जाएगा, अब उसके बाद में पूरे साल तक इसका हर इनवॉइस के ऊपर 0.1% के हिसाब से TCS है जो कलेक्ट होता जाएगा, क्योंकि इसने जो एक्सटेंशन लिमिट है वो फर्स्ट इनवॉइस के अंदर ही पार कर दी है। आई होप कि आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब हम सेम वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी लेते हैं। अब मान लीजिए ए एक सेलर है और बी इसका कस्टमर है, ठीक है। अब ए की तो जो टर्नओवर है ऑलरेडी 10 करोड़ से अबव है, ठीक है। और अब मान लीजिए यहां पर जो बी है, अब बी की जो टर्नओवर है वो भी 10 करोड़ से अबव है। अब मान लीजिए ए ने बी को 60 लाख रुपए का गुड्स है जो सेल कर दिया, किसने, ए ने बी को, तो अब यहां पर ये कंडीशंस लागू होती है भी इसकी टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज्यादा है और बेचने वाले की भी 10 टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अब ए के ऊपर TCS कलेक्ट करने की लायबिलिटी यहां पर नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, क्योंकि जो TDS का जो हमारा सेक्शन ये कहता है भी अगर किसी भी कंपनी का अगर वो 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हो जाता है तो वो 194Q सेक्शन के तहत अपने सप्लायर्स का TDS है जो डिडक्ट करेगा, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या करेगा, जो इसकी एग्जम्पशन लिमिट है 50 लाख रुपए की वो इसमें से माइनस होगी, यानी कि पीछे बच गया 10 लाख रुपए। अब इस 10 लाख के रुपए के ऊपर ये जो बी है, अब ये बी 194Q सेक्शन के अंदर इसका TDS है जो वो डिडक्ट करेगा। अब ए के ऊपर TCS जो डिडक्ट करने की जो लायबिलिटी है वो नहीं बनेगी। अब यहां पर इसका बात आएगी भी ये जो TDS है वो किस कितने रेट से डिडक्ट होगा, 0.1% के हिसाब से। किस कंडीशन के अंदर, अगर ए बी को अपना पेन नंबर अवेलेबल करवा देता है तो, अगर ये ए बी को पेन नंबर नहीं देता है अपना तो ऐसी स्थिति के अंदर ये इसका जो TDS है वो 5% के हिसाब से डिडक्ट करेगा बी जो इसका कस्टमर है। तो यानी कि अब हम इस सीधा सीधा इसके भाषा में अगर अपने बात करें तो हम ये चीज कह सकते हैं भी हमारा इसका जो सप्लायर है या जो बायर है अगर किसी का भी जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से पार हो चुका है तो उसके ऊपर ये सब चीजों की लायबिलिटी बनती है। हम इसको एक एग्जांपल के साथ और समझते हैं, इसको हम इसको थोड़ा सा एक बार यहां से रिमूव कर देते हैं। चलो अब हमने सेम ये एग्जांपल हमने लिया ए का और एक बी का। अब ए यहां पर सेलर है और बी इसका कस्टमर है, तो सबसे पहला था भी इस जो सेलर है उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा की थी। अब मान लीजिए यहां पर जो सेलर है इसकी टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, मान लीजिए इसकी टर्नओवर अभी तक 5 करोड़ की हुई है, 10 करोड़ को इसने क्रॉस नहीं किया, लेकिन जे मान लीजिए इसने
बी को गुड सेल किया है कितने रुपए का, मान लीजिए हमने कह देते हैं बी को 60 लाख रुपए का ही गुड सेल कर दिया। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर अब ए के ऊपर तो ये न तो टीसीएस की कोई लाइबिलिटी बन रही, नहीं यहाँ पर इसके ऊपर कोई टीडीएस की लाइबिलिटी बन रही। अब यहाँ पर बी क्या करेगा, अब बी के ऊपर भी अब ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है भी वो ए का टीडीएस है जो डिडक्ट करे। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अब इसकी जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम की है, ठीक है, क्योंकि अब ये बी है जो खरीदने वाला है। अगर ये कंडीशन इसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, बी मान लीजिए बी ने ए को सेल किया है लेकिन इसकी टर्नओवर ए की अभी भी 5 करोड़ ही है और जो बी की टर्नओवर है वो 20 करोड़ हो चुकी है, तो अब ऐसी स्थिति के अंदर अब बी क्या करेगा, जब जो भी इसने गुड सेल किया था 60 लाख रुपए वाला, इसके ऊपर एग्जम्पशन लिमिट को माइनस करके उसके ऊपर 0.1% के हिसाब से टीसीएस कलेक्ट करेगा इनवॉइस के ऊपर। तो आई होप कि आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर अकाउंटिंग आपने स्टार्ट करी है, फर्स्ट टाइम आपने अकाउंटिंग स्टार्ट करी है, तो आपको अपनी कंपनी की पिछले 6 सालों की बैलेंस शीट आपको चेक कर लेनी है ताकि आपको पता चल सके भी आपकी कंपनी की जो टर्नओवर है वो किसी साल के अंदर 10 करोड़ से ज़्यादा की तो नहीं हो रही है। आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर नहीं देखना, उससे पहले की फाइनेंशियल ईयर भी आपको देखनी है। किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर 10 करोड़ से क्रॉस हो चुकी है तब भी आपके ये 24-25 के अंदर ये सेक्शन है जो एप्लीकेबल है, क्योंकि अब यहाँ पर ये बात आएगी भी टीसीएस कलेक्ट हो रहा है तो टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत है क्या। तो वैसे तो अगर आपने टीसीएस कौन कलेक्ट कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन के अंदर ए भी जिसकी टर्नओवर ज़्यादा है और कस्टमर की टर्नओवर कम है तो वो जो सेलर है वो टीसीएस है जो कलेक्ट करेगा। लेकिन जैसे ही अगर दोनों की टर्नओवर 10-10 करोड़ से ज़्यादा की है तो फिर वहाँ पर टीसीएस की लायबिलिटी नहीं बनेगी। अब ऐसा ये नहीं कह सकता भी मैंने गुड्स है जो 60 लाख से ज़्यादा किया तो मैं तो टीसीएस कलेक्ट करूँगा। तो अब ये है जो अपने बी से एक सर्टिफिकेट है जो एक क्लेरिफिकेशन है वो भी लेगा, या आप हमें क्लियर कर दो भी आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से कम है या ज़्यादा है। ज़्यादा है तो आप टीडीएस काटने के लिए एलिजिबल रहे होंगे, हम इसका टीसीएस है जो कलेक्ट नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए आपने ये किसी कारणवश भूलवश अगर टीसीएस कलेक्ट कर दिया तो ये फिर भी आपका टीडीएस है जो डिडक्ट नहीं करेगा 194Q के अंदर। लेकिन लायबिलिटी अब इस कंडीशन के अंदर बी की बन रही है क्योंकि इसकी जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं भी जो टीडीएस का जो सेक्शन है वो टीसीएस पर भारी पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर बायर्स को भी ये चीज़ का ध्यान में रखना है कि अगर टर्नओवर उसकी 10 करोड़ से ज़्यादा की है और 50 लाख रुपए से ज़्यादा की उसने परचेज कर रखी है सिंगल पार्टी से, तो अब उसको एग्जम्पशन लिमिट को माइनस करके नेक्स्ट जितनी भी अमाउंट आएंगी उसके ऊपर उसको 94Q सेक्शन के अंदर टीडीएस है जो काट के जमा करवाना पड़ेगा। आई होप कि इन दोनों चीज़ों से आप अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे कि टीसीएस आपको किस कंडीशन में कलेक्ट करना है और टीडीएस आपको किस कंडीशन के अंदर है जो डिडक्ट करना होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।